हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज मैं बहुत ही सुंदर बेबी डिजाइन लेकर आई हूँ। इस डिजाइन को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, फ्रॉक में, किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर है, हैट जैसे बना है और बहुत ही सुंदर डिजाइन है। ये 5x5 का मल्टीप्लाई किया गया है। ये देखिए, अब मैं आपको इसको बनाना बताऊंगी, ये कैसे बनाया गया है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये देखिए इसको हमने कैसे बनाना है। पहले हम 4 सिलाइयाँ सिंपल बुनेंगे। आप गैप के लिए 6 भी रख सकते हैं, 2 सिलाइयाँ भी रख सकते हैं। ये देखिए, अब उसके ऊपर जब हमने 4 सिलाइयाँ सिंपल बुन ली हैं और इसके आगे हम कैसे शुरू करते हैं। 2 फंदे इसी कलर से बुने और एक फंदा ये हमने स्लिप किया। अब हम सेकंड कलर लगाएंगे। ये देखिए, ये दूसरा कलर हमने जोड़ रखा है। अब इस से हम ये 4 फंदे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये देखिए आप। एक फंदा स्लिप किया, धागा आगे रखें, दूसरा फंदा ऐसे ही बुना, फिर इससे दूसरा फंदा भी ऐसे ही बनाएंगे, फिर ये फंदा हम स्लिप करेंगे, बनाएंगे नहीं, धागा पीछे करें, एक फंदा यहाँ स्लिप किया, धागा आगे किया, ये फंदा स्लिप किया, यानी कि हमने बीच में 3 फंदे स्लिप किए। अब 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, ये देखिए, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, पीछे धागा करके फिर फंदा स्लिप करना है, फिर धागा आगे करके फिर एक फंदा स्लिप करना है और फिर 2 फंदे उल्टे बुनने, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, एक फंदा फिर स्लिप किया, धागा आगे किया, फिर फंदा स्लिप किया। अब 2 फंदे फिर उल्टे बुने, फिर एक फंदा स्लिप किया, धागा पीछे, एक फंदा स्लिप करें, धागा आगे, फिर ये फंदा स्लिप किया। ये फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदे हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, फिर ये फंदा स्लिप करेंगे, फिर धागा आगे, फिर फंदा तीसरा स्लिप किया और अब 2 फंदे हम उल्टा उल्टा बुनेंगे ऐसे। ये फंदा स्लिप किया, अब ये 3 फंदे यहाँ बच गए, इनको ऐसे ही छोड़ दें और टर्न करें। फिर देखिए, इस फंदे को ऐसे स्लिप कर लें, धागा पीछे, ये 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं उल्टी साइड से, धागा अपनी तरफ, ये 3 फंदे स्लिप करने, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुनने हैं, फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे स्लिप करने हैं, धागा पीछे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर 3 फंदे स्लिप करने, धागा पीछे, फिर 2 फंदे बुने, फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे फिर स्लिप किए, फिर धागा पीछे। पूरी रो इसी प्रकार से कंप्लीट करनी है। 3 फंदे स्लिप करने हैं और 2 फंदे हमने रेड कलर से, कलर आप कोई भी ले सकते हैं, ये इस प्रकार से स्लिप करने हैं। ये देखिए, अब ये 2 सिलाइयाँ हमारी इसी प्रकार से बनेंगी। अब 4 सिलाई हम दूसरे कलर से बनाएंगे ऐसे सिंपल सिंपल, इस प्रकार से 4 सिलाइयाँ सिंपल बुनेंगे।
और ये देखिए इस प्रकार से बन जाएगा। अब मैं फोर सिलाई सिंपल बना कर दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें हमने कुछ नहीं करना है, एक सीधी साइड और एक उल्टी साइड। इस प्रकार से ये सीधी सिलाई होगी हमारी और ये उल्टी साइड, उल्टा उल्टा इस तरह से कंप्लीट करनी है। आप टू रो भी रख सकते हैं और फोर भी, गैप के लिए ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए ये मैं उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। बहुत सिंपल डिजाइन है, बहुत ही आसान है। ये देखिए ये हमारी फोर सिलाई कंप्लीट हो गई है सिंपल। अब फिर दोबारा बता रही हूँ मैं, ये इस प्रकार से बनाइए। ये फंदा स्लिप करेंगे और यहाँ से फिर हम दूसरा कलर उठाएंगे, पीछे से आगे ले आएँ, इस फंदे को भी स्लिप कर लें और ये सेकंड वाला फंदा जो है इसको बुन लें उल्टा और इसको भी उल्टा बुन लें और इस फंदे को फिर स्लिप कर लें, फिर धागा पीछे करें, इसको स्लिप करना है, फिर धागा आगे करना है, फिर इसको स्लिप करना है, फिर टू फंदे उल्टा बुनने हैं, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे कर लेंगे, फिर आगे करेंगे। ये देखिए इस फंदे को भी स्लिप कर लेंगे। अब दो फंदे हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, इस फंदे को भी ऐसे ही स्लिप करें, धागा पीछे, फिर इसको, फिर धागा आगे, फिर इसको स्लिप करना है, फिर दो फंदे बुनने हैं, बीच में हमने तीन फंदे स्लिप करने हैं, एक बार आगे से एक बार पीछे से धागा करके तीन फंदों को इसी प्रकार से स्लिप करना है। ये देखिए ये हमारे ऐसे ही पूरी रो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए अब इसके ऊपर दोबारा कैसे बनाना है, ये देखिए आप यहाँ से टर्न करेंगे, ये दूसरे कलर के फंदे हैं, इनको यहीं पे छोड़ दें और इस फंदे को ऐसे स्लिप किया, फिर देखिए धागा पीछे जो करें और इस तरह से दो फंदे सीधे बुने, फिर धागा अपनी तरफ। अब तीन फंदे ऐसे स्लिप करने, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर तीन फंदे स्लिप करेंगे और धागा पीछे करेंगे। ये देखिए धागा अपनी तरफ, फिर तीन फंदे स्लिप करने, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने के और बहुत ही जल्दी बनता है। ये देखिए स्लिप करने हैं, दो सिलाई रेड कलर से बनाई है और फोर सिलाइयाँ, दूसरा कलर कोई भी डालें आप उसमें बनाएं। ये देखिए ये हमने पूरी रो कंप्लीट कर दी है। अब इसके ऊपर फिर से आप फोर सिलाइयाँ सिंपल डालें, इसी प्रकार से यही टू रो बार बार रिपीट करनी है और ये डिजाइन बनकर बहुत ही सुंदर आएगा। ये देखिए अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।